आज हम बात करेंगे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारी जो चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। तो बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो कि हमारी श्री स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से निकली है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि हमारा 13 पेज का है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए इंग्लिश, बीबीए इंग्लिश, बीए मराठी, बीबीए मराठी, बीए हिंदी, बीबीए हिंदी, बीए इकोनॉमिक्स, बीए सोशोलॉजी, बीबीए आपका बीएससी कंप्यूटर। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे टेन्यूअर आपका एकेडमिक ईयर 2020-21 अप टू 30/4/2021 डेट ऑफ ज्वाइन है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दे सकते हैं, ठीक है। हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका जो रिजोल्यूशन मैनेजमेंट काउंसलिंग मीटिंग सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पीरियड आपका बेसिक रेट एज पर द यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के नॉर्म्स के अनुसार रहेंगी। यहाँ पे दे सकते हैं क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए ए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स होना चाहिए फॉर एन इक्वलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर अबर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोइंग द कंसर्न आपका रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी इक्वलेंट डिग्री फ्रॉम आपका एक्रेडिशन फॉरन यूनिवर्सिटी। बिसाइड पुलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव द क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका नेट पास होना चाहिए जो कि कंडक्ट किया हो UGC या CSIR से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो जैसे कि UGC लाइक स्लैट सेट जो भी आप यहाँ पे आप कर सकते हो उसके लिए आप कर सकते हो। हैव बीन अवार्डेड PhD डिग्री अकॉर्डिंग विद द यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो जानकारी आप दे सकते हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे दे रखा है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं पोस्ट फॉर SR10 BBMTech और MEMTech रिलेवेंट सब्जेक्ट फर्स्ट क्लास इक्वलेंट BBTech या MEMTech, ठीक है। BBTech MCA विद फर्स्ट क्लास इज आइदर BBTech, ठीक है। यहाँ पे इसकी जानकारी देखने को मिल जाए, इसको आप बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड एसेंशियल और डिजायरेबल दोनों जानकारी है वो आप अपनी यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है तो वो यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। 5% रिलेक्शन है, 55 मांग आ गया जनरल के लिए, 5% रिलेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी के लिए मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड रीच द नेम ऑफ रजिस्ट्रार स्वामी, आपको यहाँ पे एड्रेस देखने को मिल जाएगा। 24 दिसंबर से पहले आपको पहुँचाना है, ठीक है। तो इसके नीचे जो आपका जो फॉर्म है वो नीचे देखने को मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके फॉर्म को फिलअप कर इसको भरकर भेजना होगा जो कि मैंने एड्रेस दिखाया। देखिए यहाँ पे पोस्ट अप्लाई करना है उसका नाम, ठीक है। आपका नाम, फादर नेम, सर नेम, डेट ऑफ प्लेस, नेशनलिटी, मेल फीमेल, शादीशुदा है या नहीं, यहाँ पे आपकी अपनी फ़ोटो लगानी है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे आपका बताना है किस क्लास से बैकवर्ड है, जो भी यहाँ पे आपको कैटेगरी मेंशन करिए उसको मेंशन कर सकते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके बारे में बताना है। एकेडमिक आपको यहाँ पे जानकारी देनी है, देखिए SSC से लेकर हाई स्कूल, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, नेट सेट, जो भी यहाँ पे आपको इसकी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड टीचिंग एक्सपीरियंस की यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर की यहाँ पे आपको जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के बारे में है तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसी तरीके डिमांड ड्राफ्ट है जो कि आपका यूनिवर्सिटी रिसिप्ट नंबर अमाउंट यहाँ पे आपको बताना है। इससे जिला डिसिप्लिन रिलेटेड कुरियर एक्टिविटीज की यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। वो सारी यहाँ पे आपको जानकारी प्रोवाइड करने के बाद इस फॉर्म को आपको फिलअप करके, ठीक है, यहाँ पे इसको आपको भरकर भेजना होगा। तो दे सकते हैं ये हमारा बहुत बड़ा सा फॉर्म है तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं पूरी जानकारी आ रही है तो उसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें। मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, है ना। ये लिंक है इसका, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लिंक भी दे दूंगा और ये आपका नोटिफिकेशन का भी लिंक दे दूंगा, दोनों आपको लिंक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से फ्रेंड, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए